चुनाव के माहौल अपना, चुनाव को बढ़िया माहौल है भाई साहब। किन्ने वोट रहा, किन्ने दे रहे हो? वोट तो बीजेपी ने देता है, लेकिन अभी ऐसा मजस्मा राजपूत ब्राह्मणा का सहयोगी रहे हैं। बिल्कुल मोदी ने वोट दिया। समस्या का निवारण हो चाहे ना, खाली मोदी समस्याओं का मतलब, कोई मतलब को नहीं, खाली मोदी। ये तो नेताओं का मतलब स्वभाव है, नेता आज किस पार्टी में किस पार्टी में, जो लड़ती है वो जनता लड़ती है। पार्टी बात आगे वाले पार्टी को बंद के नहीं रहना। हाँ, पार्टियों को बंद के नहीं रहना चाहिए, जो गांव की समस्या या जिले की समस्या उसको हल कराए उसके साथ होना चाहिए। उसका दोस्तों तेज अग्रह थारो यूट्यूब चैनल पीजीएस इंडिया न्यूज में ऋतिक आज पूछो झुंड लोकसभा क्षेत्र के माखर गाँव में अड़ी जनता वापस आना की कह रहा है। चुनाव जो काफी नजदीक आ चुके हैं, के मुद्दा वोट करना चाहिए, के मुद्दा वोट नहीं करना चाहिए, के रहा है कौन आड़ू निकल्स का कौन नहीं निकल्स का, के कारण रिहा के मुद्दा रिहा सारी बात करा। अब आपने सारे युवा साथी मौजूद। नमस्कार साहब, चुनाव के माहौल? चुनाव माहौल बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था हो रही है। और लेकिन हमारा गांव की एक मतलब की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और उसको निवारण न बीजेपी वाला कर रहा है न कांग्रेस वाला कर रहा है। इसलिए मैं गाँव वाला सोचा कि मैं चुनाव बहिष्कार करा तो बहुत बढ़िया रहे। तो पानी तो नहर आ रही बतावा नहीं तो साहब, नहर के करे कि कुआ बावड़ी ये सूख गया, कुआ हाथ कोने लाइन लाइन चारों मेरू टूटी पड़ी है, कोई गेला कोने पानी आ रहे कोने, तो गांव बहुत ज़्यादा त्रस्त है पानी की समस्याओं। तो थाने क्या लगा कौन सी पार्टी है कि है जो आपनो काम कर सके थारो? मार तो मान तो दोनों एक ही डोलगी लगी साहब। हाँ, तीसरी पार्टी है? तीसरी पार्टी, तीसरी पार्टी अभी कोई विचार कोने, मानस यही है कि वोट वाट कोई नहीं कौन दिया, यही बात है। समस्या को समाधान नहीं करा तो वोट को? हाँ, समस्या को समाधान नहीं करा तो वोट को नहीं। नमस्कार, चुनाव के माहौल? चुनाव का तो 50-50 है माखर पंचायत में। तो अपने गांव की कोई आई की समस्या जाए समाधान, कौन सी पार्टी कर इसका थान लग गई? हमें तो पार्टियों से तो हमने आशा ही रखना बंद कर दिया अभी, कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और इससे पहले जो विधायक महोदय थे उनको भी अवगत कराया था, और अभी जो यहाँ पे सांसद महोदय का जो चुनाव जो सांसद महोदय थे उनको भी अवगत कराया था, लेकिन उस समस्या का अभी तक भी कोई हल नहीं है। पर जैन टाइम में सांसद तोरा नरेंद्र खिचड़ जी है ना? हाँ, उनका आगे रखी समस्या, उनको भी पहले अवगत कराया था, और जो यहाँ के विजेंद्र जी ओला है उनको भी समस्या से अवगत कराया गया था, चुनाव से पहले भी कराया था, अभी तक तो कोई समस्या हल हुई नहीं है। थान के इलाके और कौन सी पार्टी निकलेगी, थारी कोई पार्टी सुन रही है कौन सुन रही दोनों साइड? नहीं, वो तो जो पार्टी से बंधे हुए वोट है वो तो पार्टियों को मिलते ही है, समस्या का हल हो या ना हो लोग वोट देंगे, वो तो दोनों जो बीजेपी को देते हैं वो बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देते हैं वो कांग्रेस को देंगे। और यह चीज़ पर कह रहा है वोट है सबू देना चाहिए, जो काम करो चाहे ना करो, पार्टी बंधनों को जरूरी थोड़ी है? नहीं, बंधना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो चलता आ रहा है पार्टियों के बंधे हुए हैं सब, वो सब वो वैसे ही देंगे जो मतलब पार्टियों को देते आए। तो अपने गाँव गौर की बात कर रहा हूँ, थान के इलाके कौन सी पार्टी निकलेगी? यहाँ तो बताया ना कि मतलब जो माखर पंचायत है ओवरऑल पंचायत में तो बीजेपी निकलेगी, और माखर ग्राम में शायद कांग्रेस, पंचायत में बीजेपी, बाकी गांव में हाँ कांग्रेस। तो आड़ा जो आए नेता कोई अब की बार जो चुनाव प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, ओड़ा जी सुकरण जी कुछ आया? सुकरण जी आए थे, लेकिन मैं तो यहाँ था नहीं, पता नहीं वो आके गए थे। तो गाँव का कोई समस्या रखी बन गई शामी में गाँव, क्या समस्या? शायद मेरे को नहीं पता, मैं वहाँ यहाँ पर मौजूद नहीं था, पानी की समस्या। थाने के लगा जो नेता चलता है पार्टी बदल नहीं बन के बारे में क्या कहना चाहूँगा? ये तो नेताओं का मतलब स्वभाव है, नेता आज किस पार्टी में किस पार्टी में, जो लड़ती है वो जनता लड़ती है। पार्टी बात आगे वाले पार्टी को बंद के नहीं रहना। हाँ, पार्टियों को बंद के नहीं रहना चाहिए, जो गांव की समस्या या जिले की समस्या उसको हल कराए उसके साथ होना चाहिए। तार में आखिरी सवाल पूछूँ, के मुद्दा पर जनता जो है वोट करना चाहिए ईमानदारी? जनता को तो भाई, जनता को तो जो जनता ये हित के काम कराए उसके लिए वोट करने चाहिए। बेरोजगारी? बेरोजगारी तो या तो अभी नया मुद्दा नहीं है, तो मतलब सालों साल चलता आया मुद्दा है, और इसका किसी भी पार्टी के पास वैसे तो जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस हिसाब से इसका किसी के पास हल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, चुनाव के हिसाब किताब है थाले हिसाब बताओ, गाँव का हिसाब मत बताओ। नहीं, मैं तो मोदी के साथ हूँ, बीजेपी ने वोट दूंगा। अपना के कारण रहेगा? बस पुस्तन नहीं है, बीजेपी है, मोदी पसंद है सेंटर में, सेंटर में मोदी पसंद है आड़े, बस मोदी के नाम से वोट है, पूरे को कैंडिडेट कौन देखा, कोई कोई काम कुम करावा कौन करावा, सिर्फ नाम ही चाल रहे। नहीं, मोदी का पूरे देश में विकास हो रहा है। पूरे देश में क्या विकास होगा एक दो बताओ? सब है, हर घर जल योजना आ गई है, उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, सब मोदी की है। अपने गांव की समस्या बात करें, समस्या
उड़े की समस्या साहब हमेशा से सारी है। ओला परिवार जी उड़े राज कर गए, नहर लाया तक बार नहर को नहीं आई। अब के समस्या पानी की विकट समस्या है, अवगत करा दिया है, मंत्री महोदय ने भी कराई है। 5 साल भी बीजेपी का सांसद आना है नरेंद्र खिचड़ जी, हाँ उनसे मिल लिया है, आश्वासन दिया मैंने भी करावा देगा, बिल्कुल आओगे साहब। बेरोजगारी को क्या हिसाब किताब कित बढ़ रही है बहुत ज़्यादा? बेरोजगारी साहब खूब आए, बेरोजगारी आए कि को नहीं, प्राइवेट में खूब निवेश है, खूब धंधा है, कोई दिक्कत को नहीं। प्राइवेट में 10-11 हज़ार रुपया दिए बताओ क्या हुआ है कि कोई बात को नहीं साहब, खूब है लाग है नहीं मान तो मोदी लाग रहे हो साहब, और कुछ नहीं है, खाली मोदी जी ने बिल्कुल मोदी ने वोट दागा, समस्या और निवारण हो चाहे ना खाली मोदी, समस्याओं का मतलब कोई मतलब को नहीं खाली मोदी। धन्यवाद। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। चुनाव के माहौल है? चुनाव को बढ़िया माहौल है भाई साहब। किन्न बोल रहा किन्न दे रहा? वोट तो बीजेपी ने देता है, लेकिन अभी ऐसा मजस्मा राजपूत ब्राह्मणा का सहयोगी रहे हैं, जड़े राजपूत देगा बड़े वोट देंगे। बीजेपी छोड़ रहा मतलब बीजेपी ने दे रहा? जड़े राजपूत देगा बड़े, बीजेपी छोड़ रहा को नहीं के कारण रहेगा तो आपने वोट चेंज होने का? अब तो राजपूता को सम्मान नहीं करेगा अपन वोट कहें दियो जाओ। थारी राय और के राय अपने गांव की कोई समस्या? गांव की समस्या सब ठीक है, बढ़िया सरपंच है गांव का, उप सरपंच साहब बखड़े ही हैं। बता रहे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है? पानी की समस्या तो साहब आज से थोड़ी है, सदा से ही है। बात फिलहाल तो निवारण सामना है ना, नहर निकल के आइए बताओ, नहर ले रहे बताओ, नहर कड़ी आ रही है यारो कह रहा तो ये बगाड़ा पास करवाई बताओ ना। अभी तक तो मार तो पानी की व्यवस्था होगी नहीं, थान के इलाके बगाड़ा 5 साल में जाओगे मुश्किल है साहब, 25-30 साल से कुनिया ना 5 साल में कड़ी हुआ वो तो बगाड़ा भी कोनी मुश्किल है। हाँ मुश्किल है साहब। थान के इलाके है कौन सा पार्टी है जो थारी समस्या का समाधान निकाल कौन करे, कोई सी पार्टी कौन करे साहब, बस बसपा भलाई कर दो। तीसरी साइड में जा रहे हो? हाँ तीसरी साइड में जा रहे। कितना वोट ला जाएगा बन गए, कितनी सीट निकाल लेगी बस भाई? मैं तो कोई ना खा को नहीं, आपकी मर्जी से विवेक से दो। अलग एजुकेशन का आधार पर वोट पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए? अब वोटा को तो साहब के बताओ, जो गांव है वो आपके हिसाब से देखो। अब और ओवरऑल बात करा, थारी राय जो है थे बताओ, जहाँ एजुकेशन देखा एजुकेशन का मामला में धीरे धीरे डाउन जाता जा रहा है अपने देश एजुकेशन के हिसाब, तो तान के लगा एजुकेशन मजबूत करने के लिए क्या काम करना चाहिए? अब काम तो क्या बताओ, सरकार करेगी साहब, अब मैं भी इतना नॉलेज वालों आदमी तो आता नहीं, पूरी दिहाड़ी मजदूर करूँ आसपास में। तो दोस्तों थे वीडियो देखे, वीडियो लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने शेयर जरूर करियो, ना इधर की ना उधर की बात करना चाहिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब के लिए। मैं ऋतिक जूनू लोग से बात करता से थार के लिए हर गाँव हर कस्बे की रिपोर्ट ला रहा हूँ, तो चैनल के साथ जुड़ा रही हो, बहुत बहुत धन्यवाद।